भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चल रहे है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को फाइनल मुकाबलों और ये फाइनल मुकाबला का अब तक दो दिन खत्म होगा। अब तक खेला गया मैच में ऑस्ट्रेलिया वाली टीम बहुत ही आगे चल रही है, इंडिया की टीम इस मैच में बहुत ही पिछड़ गई है। ऑस्ट्रेलिया वाली टीम ने पहले दिन को खेल खत्म होने तक 3 विकेट पर 327 रन बनाया और दूसरे दिन यह टीम स्कोर ने 461 रन तक लेगी और ऑस्ट्रेलिया की टीम 461 रन पर ऑल आउट होगी, लेकिन यह इतनी बढ़त टीम इंडिया के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगी। टीम इंडिया की ओर से सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद सिराज ने लिया, मोहम्मद सिराज इस मैच में 4 विकेट अपने नाम कराया। दूसरे दिन के खेल में टीम इंडिया की पारी भी कुछ खास खुनी रही, टीम इंडिया 151 रन पर ही 5 विकेट गवा दिया और अब टीम इंडिया की ओर से अजय के राणे और केएस भरत क्रीज पर मौजूद हैं। दोनों जनों के बीच में अब तक 9 रन की पार्टनरशिप हो रही है। टीम इंडिया का ओपनर की बात करें तो रोहित शर्मा ने इस मैच में 15 रन बनाया और भी कसा गई। आईपीएल में सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाले शुभम गिल भी इस मैच में मात्र 13 रन बना सके। और अगर बात करें विराट कोहली के बारे में तो विराट कोहली इस मैच में 14 रन बनाया। टीम इंडिया के दर्शकों ने विराट कोहली से बहुत ही उम्मीद दी, लेकिन विराट कोहली अपना कुछ खास प्रदर्शन को दिखा पाए। बिकस सागर सागर ही चेतेश्वर पुजारा भी 14 रन बना सके, लेकिन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने आपको पूरी योगदान देने की कोशिश करी। जडेजा ने इस मैच में 48 रन की पारी खेली। टीम इंडिया के लिए अजिंक्य रहाणे 29 रन बना के क्रीज पर मौजूद है। अगर टीम इंडिया मैच में रन चाहे है तो टीम इंडिया ने आज के दिन लगभग 30 सेशन तक बैटिंग करनी ही पड़ी सी और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पारी निकल सी अजिंक्य रहाणे के बल्ले से। अब अजिंक्य रहाणे की पारी ही टीम ने कुछ उम्मीद दे सका है। इस मैच में टीम इंडिया की हालत देख की सबका सब एक खिलाड़ी ने जरूर मिस कर रही और भी खिलाड़ी को नाम है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत टीम इंडिया के लिए टेस्ट में बहुत ही चौको खेले है तो ऋषभ पंत की कमी टीम ने जरूर खेल रही है। ई फाइनल मुकाबला में आज का दिन को खेल बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज का दिन ही लगभग डिसाइड हो जाएगी कि कौन सी टीम यह मैच जीतेगी। और अगर थाने वीडियो चौको लगे तो वीडियो लाइक करियो और चैनल ने सब्सक्राइब करियो।